As the country stood together to celebrate its 71st Independence Day on August 15th, the news of former Indian Prime Minister and Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee's demise saddened us all. Desi Martini pays its heartfelt tributes to Mr. Vajpayee. वैसे फ्राइडे आज है लेकिन बॉक्स ऑफिस ने 15 अगस्त को वेलकम किया अपना अब तक का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस डे। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने क्लैश किया जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते के साथ और ये क्लैश इतना दमदार निकला कि इसने दिलवाले और बाजीराव मस्ताने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड की। गोल्ड एक स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा है दैट नरेट्स अ स्टोरी ऑफ इंडियाज रोड टू इट्स वेरी फर्स्ट गोल्ड मेडल एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फिल्म आपको ग्रेजुअली ग्रिप करते हुए सीट्स के एज पर लेकर आती है और बहुत फुलफिलिंग फिनाले डिलीवर करती है। फिल्म में हॉकी के पोर्शंस बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं और फिल्म की कास्ट बहुत इंप्रेस करती है। अक्षय कुमार तो टॉप फॉर्म में है ही लेकिन विनीत कुमार सिंह अमित साध और सनी कौशल जैसे एक्टर्स फिल्म की असली स्ट्रेंथ है। ऑडियंस और एमजीएस की रेटिंग्स के बाद यह है देसी मार्टनी पर गोल्ड की करंट रेटिंग। और अब बात करते हैं सत्यमेव जयते की। 2% की जान लेने 9mm की गोली नहीं 56 इंच का जिगरा चाहिए। वैसे तो फिल्म की डायलॉग बाजी और लाउड एक्शन इसे सिंगल स्क्रीन के लिए आइडियल बनाते हैं लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट ऑनेस्टली काफी डेटेड है। हम खाकी वर्दी वाले उसे खाक में मिलाएंगे। Yes, इस साले को छोड़ना नहीं। डायरेक्टर मिलन मिलाप जावेरी जो इससे पहले मस्ती ज्यादा बना चुके हैं इस फिल्म में लॉजिक को डिफाई करते हुए कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर आप आज के टाइम के सिनेमा को पसंद करते हैं तो सत्यमेव जयते आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा सिंगल स्क्रीन में ये फिल्म काफी पॉपुलर हो रही है और इसलिए देसी मार्टनी पर इसकी करंट रेटिंग है 3.2 स्टार्स। और अब देखते हैं कि गोल्ड ने सारे शॉट्स गोल पोस्ट में ही मारे या कुछ मिस भी किया। हाँ यार आई गेट इट तुझे फिल्म बहुत पसंद आई है बट लगान के फील से तो कंपेयर मत कर यार। ओहो आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर गोल्ड विद एनी स्पोर्ट्स फिल्म बिकॉज़ इट हैज गॉट अ फैबुलस ऑरा ऑफ इट्स ओन। आई मीन आई एम एमजीनी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रेशिंग स्पोर्ट्स फिल्म यू आर गोइंग टू सी इन अ लॉन्ग व्हाइल। ओके टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट कंप्लीटली डिसलाइक द फिल्म। I have no personal complaints against the film, but Gold is far from being flawless, yaar. And I, MJ Avipsha, is going to tell you why this film really didn't hit the goalpost for me. I'm going to start with the obvious. Akshay Kumar. एक तो अक्षय कुमार एक डायल डाउन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ऊपर से ही इज कोलैबोरेटिंग विद अ फिल्म मेकर लाइक रीमा कागती व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर। अक्षय कुमार इज नॉट द बैकबोन ऑफ द फिल्म एंड दैट इज इट्स विक्ट्री। ही ब्रिंग्स इन द मच नीडेड ह्यूमर कन्वेज द हेल्पलेसनेस एंड गोज थ्रू अ नंबर ऑफ हर्डल्स टू गेट इंडिया इट्स फर्स्ट गोल्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। Akshay Kumar donning a different avatar for a film is great. But the poor person's struggle to seem like an authentic Bengali is just so visible, yaar. I mean, Uri Baba, ye to gondogol ho gaya. What? Here is what he must have done to prep for the film. Pass the look test, watch a couple of hockey matches, and meanwhile hang out with Bappi Lahiri to get the accent right. I mean, chal, uska to phir bhi samajh mein aata hai. But Mohini Roy ko kya ho gaya? Wo to khud Bengali hai. What the hell is tumhara shopna gotor mein jayega? Like that. The good part is these are minor hiccups that do not affect the flow of the film. Watch Gold because it deserves to be watched. I mean, film dekh ke mujhe ye samajh nahi aaya ki is story pe pehle film kyun nahi bani. A man driven by passion puts together an impossible army of players to get India its first gold as an independent nation. Trust me, the treatment of the film actually justifies its story. Look, the film was dragging at times and it suffered from the syndrome where makers succumbed to the pressure of doing too much. While the first half was undeniably dragging, even the climax seemed a little stretched. Oh, I couldn't disagree more on that. Watching Gold felt like watching a real tension-filled hockey match. In fact, people were cheering and clapping at each goal, each strategy, each move. In this film, the sports has been represented beautifully and the makers did not take any creative liberty to represent hockey. Yaar, mujhe bhi unnecessary comparisons nahi karne. But how do you ignore the major check the India feels? 70 minutes se leke India, sab kuch to hai is film mein. But these are unskippable parallels. I was so involved into the film ki mujhe ye sab choti moti cheeze nazar bhi nahi aayi. My biggest takeaway from the film is its supporting cast. Wait, hang on. Supporting cast kehna bhi galat hoga kyunki each and everyone had an important and vital role to play in the film. Right from Vineet Kumar Singh to Amit Saad to Sunny Kaushal, bas sabne bahut hi kamal ka performance diya hai and they deserve your investment. Yaar par tujhe Akshay Mohini romance jagah jagah pe needless nahi laga?
एक तो देयर केमिस्ट्री वाज एनीवे स्ट्रगलिंग टू फाइंड शेप ऊपर से स्टोरी के अगेंस्ट जाके है ये रोमांटिक ट्रैक इट वाज जस्ट टेकिंग मी आउट ऑफ द फिल्म Another very important reason on why you should watch the film is because of how Reema Kakti has chosen to show the entire Indo-Pak relationship in this film. It was so refreshing to see the two teams not fighting a virtual war on the field. I mean, you have to see the film to know what I'm talking about. It is because of things like this that you know this film is a celebration of sports. Look, I'm not saying it is a bad film. All I'm saying is if the makers took it a little more seriously, we would have had a first-rate sports film in Bollywood. See, go for gold. Watch it, see this film. It would be a refreshing film to watch. और अब देखते हैं गोल्ड और सत्यमेव जयते का ऑडियंस रिएक्शन। चक दे इंडिया के बाद काफी लंबे टाइम के बाद ऐसी मूवी देखने को मिल रही है हॉकी पे। Yeah, amazing movie, amazing action. It's really good. Songs were like not that good. Like songs were not the mainstream. Mainstream was a patriotic thing. With sports. Story बहुत अच्छी है, comedy भी है, movie super movie है। 15 अगस्त पे इससे अच्छी movie कोई और हो ही नहीं सकती। बहुत मजा आया, देशभक्ति की फिल्म है और अक्षय कुमार का काम अच्छा है। अभी वो नया मनोज कुमार बन गया है। क्या? 4.5 and amazing, amazing script. 5 out of 5. 4.5. 4.5. I actually John Rowe is my favorite actor, so I would say it was good and he really looks in serious. Role and his actions is obviously very awesome. Movie अच्छी थी, no doubt देखने लायक है, especially one time watchable movie है. बहुत सारी फिल्म में क्रांति भी देख लो, वो भी आ जाएगा आज. तो ऐसा कुछ था नहीं movie में. मनोज वाजपेयी का acting awesome, 10 out of 10. 4.9. और इस Independence Week में Bollywood में और क्या हुआ? Let's check out. Hi guys, पूरे हफ्ते की Bollywood highlights लेके मैं दीपाली फिर हाजिर हूँ आपके साथ. Hope you all had a patriotism-filled Independence Day. वैसे इस पूरे हफ्ते सिर्फ गोल्ड और सत्यमेव जयते छाई रही, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स और फर्स्ट लुक भी आउट हुए. वरुण धवन अनुष्का शर्मा स्टारर सुई धागा का ट्रेलर रिलीज दिस वीक. फिल्म डायरेक्ट की है शरद कटारिया ने और ये फिल्म बेस्ड है रूरल इंडिया में सेट एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी पर. इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म मंतो का भी ट्रेलर रिलीज हुआ और ये फिल्म डायरेक्ट की है नंदिता दास ने. 15 अगस्त को सलमान खान ने अपने फैंस को एक स्पेशल गिफ्ट दिया और रिलीज किया भारत का टीजर. अभी खत्म नहीं हुआ. इसके अलावा विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा का ट्रेलर भी रिलीज हुआ और ये फिल्म है दो बहनों की एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप पर और इस फिल्म में है सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और राधिका मदन. कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका का फर्स्ट लुक पोस्टर भी इसी वीक रिलीज हुआ. अगर आप बिग बी को बिग स्क्रीन पर देखना मिस कर रहे हैं तो वो करने वाले हैं एक स्पेशल अपीयरेंस काजोल की अपकमिंग फिल्म हेलीकॉप्टर ईला में. बिग बी ने ये न्यूज खुद ट्विटर पर अनाउंस करी. सुनने में ये भी आया है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप सरकार जो हॉस्पिटल में डेंगू का ट्रीटमेंट करवा रहे थे उन्होंने स्पेशल परमिशन लेके अमिताभ बच्चन के साथ सीन शूट किया. हेलीकॉप्टर ईला रिलीज होगी 7 सितंबर को. प्रियंका चोपड़ा जो लास्ट वीक तक अपनी एंगेजमेंट रिंग को इंडियन पैपराज़ी से छुपाती घूम रही थी अब कर रही हैं उसी रिंग को फ्लॉन्ट. यस, रवीना टंडन के इंस्टाग्राम पर शेयर किए हुए एक पिक्चर में प्रियंका इज सीन वेयरिंग अ 3-कैरेट कुशन कट डायमंड रिंग. आई थिंक प्रियंका के एंड से ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है. सो इस वीक की हाइलाइट्स में बस इतना ही. टिल देन यू कीप वॉचिंग फ्राइडे फ्लिक्स. और इन दोनों नई मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर क्या किया और क्या करने वाली है देखते हैं बॉक्स ऑफिस में. Hi guys, welcome to Friday Flicks Box Office. इस हफ्ते 15 अगस्त के मौके पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और हैंडसम हंक जॉन अब्राहम एक दूसरे से टकराए और इसका अंजाम दोनों के फायदे में निकला. फिल्म गोल्ड ने 25.25 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ ये फिल्म अक्षय की अभी तक की बिगेस्ट ओपनर बन गई है. खूब भालो सपना, लेकिन सपना देखने वाला गटर में पड़ा है. वहीं सत्यमेव जयते ने 20.65 करोड़ की कमाई की और ये फिल्म जॉन की बिगेस्ट ओपनर बन गई है. 2% की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं 56 इंच का जिगरा चाहिए. इन दोनों फिल्मों की पहले दिन की कमाई मिलाकर 45 करोड़ का बिजनेस हुआ जो अभी तक का बॉलीवुड का बिगेस्ट एवर इंडिपेंडेंस डे कलेक्शन है. छोटी मछली बहुत पकड़ ली, अब मगरमच्छ पकड़ने की बारी. गोल्ड की अच्छी कमाई होना कोई सरप्राइज की बात नहीं है, लेकिन नॉन मसाला फिल्म होने के बावजूद इतनी बड़ी ओपनिंग काबिले तारीफ है. जॉन की फिल्म सत्यमेव जयते से पहले ही दिन इतनी बढ़िया कमाई करना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस फिल्म के लिए इतनी बढ़िया कमाई करना बहुत बड़ी बात है. ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे चल रही है और लोग इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं. रोक कर दिखा, रोकूंगा भी और ठोकूंगा भी. बात की जाए वीकेंड कलेक्शन की तो अक्षय की गोल्ड अपने ओपनिंग वीकेंड के बाद 75 करोड़ की कमाई कर सकती है, जिसका मतलब है कि गोल्ड अक्षय की विनिंग स्ट्राइक को और आगे कंटिन्यू करने वाली है. और आपके सामने देश का सामने गोल्ड लाके रखेगा, आई प्रॉमिस. वहीं जॉन की सत्यमेव जयते अपने ओपनिंग वीकेंड के बाद 50 करोड़ की कमाई करेगी.
इन दोनों फिल्मों की वजह से ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि एक बड़ा हॉलीडे दो बड़ी फिल्मों के क्लैश को आसानी से संभाल सकता है। कानून को हाथ में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है। And that's all we have for Friday Flix Box Office this week. And before we go, time for trivia. The former Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, passed away one day after the Independence Day. But did you know that he was also a poet? And once, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Jagjit Singh and Javed Akhtar came together to convert one of his poems into a video. Shah Rukh Khan featured in this video titled Kya Khoya Kya Paya from an album called Samvedana, while Amitabh Bachchan narrated Javed Akhtar's lyrics, Jagjit Singh lent his voice to the music video. Atal Bihari Vajpayee himself featured in the video too. So that's all we have for you in this week's episode of Friday Flix. If you plan to watch Gold or Satyameva Jayate, or if you've already watched it, then please go to thecinemaindia.com and write your reviews. See you next week. And until then, just remember, critics don't review a movie, audiences do.